नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 21 मई का दिन है और आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा लाल बर्रा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य गाँव में आज सेवाभावी कार्य के तहत कुछ राशन सामग्री की किट प्रदान की जा रही है, जिसका यह नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, यह लालबर्रा क्षेत्र के नवे गांव की है, जहां पर आदिवासी बाहुल्य ग्राम है, एक छोटा सा मंजरा टोला जिसको हम कहते हैं गांव की भाषा में। यहां पर ये सेवा दल के जो सिपाही है यहां पे बड़ी तादाद में पहुंचे हुए और इनके द्वारा एक एक करते हुए यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को राहत सामग्री, ज़रूरत की सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस सेवा दल के सिपाही है ये, और ये निरंतर इस समय लॉकडाउन के बीच जो कोरोना त्रासदी है उसमें जो जिस तरह की पीड़ा आम जनता को हुई है, उसी पीड़ा के तहत लोगों का दर्द बांटने का काम कांग्रेस सेवा दल की ओर से किया जा रहा है। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ छोटे, आ जाओ। लो मास्क लेकर आओ, हमके मास्क पहनो, इधर आओ, लो गमछा हटाओ, एक साइड का बना दे पहले, इधर आओ तुम लोग भी, दोनों इधर आओ। तो कुछ इस तरह से कांग्रेस सेवा दल के जो सिपाही है लोगों की मदद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं बालाघाट न्यूज के माध्यम से। आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। चलिए कैमरामैन साहब, तो जैसा नाम है सेवा दल, वैसे ही सेवा के अनुरूप कांग्रेस सेवा दल के द्वारा निरंतर सेवाएं दी जा रही है। और आज कांग्रेस सेवा दल ने राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह लक्ष्य रखा है कि वे 1000 परिवारों तक मदद पहुंचाएंगे। तो इसके तहत ये पहला पड़ाव है नवेगांव गांव, जो कि लालबर्रा क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा टोला है। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस सेवा दल के सिपाही यहाँ पे लगातार लोगों के बीच पहुँच कर उन्हें राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के संक्रमण काल में जिस तरह की पीड़ा आम जनता को हुई है, उस पीड़ा का दर्द बांटने के लिए आज गरीबों के बीच कांग्रेस सेवा दल के सिपाही यहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय कांग्रेस सेवा दल के सिपाहियों की। सुनो, इस मदद कार्य में जो सामग्री का वितरण किया जा रहा है कांग्रेस सेवा दल की ओर से, जिसमें एक कंप्लीट किट है, राशन सामग्री के अलावा सब्जी है, नमक है, दाल है, चावल है, बिस्किट है, और ज़रूरत की जो आवश्यक सामग्री है जो एक परिवार को आज कोविड-19 के संक्रमण के बीच ज़रूरी है, उसी सामग्री की किट यहां पे प्रदान की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय लालबर्रा क्षेत्र के नवे गांव की, जहां एक टोला है छोटा सा, जहां पे आदिवासी परिवारों की बसाहट है, और 20 से 25 ऐसे परिवार है जो यहां पे निवास करते हैं, जिनको इस लॉकडाउन के बीच में काफ़ी ज़रूरत थी ऐसी सामग्री की। तो इसी के तहत में आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह सब कार्य किया जा रहा है। तो घने जंगलों से घिरा हुआ यह एक गांव है, और यहां पर करीब
25 से 30 परिवार यहाँ पे निवासरत है। इनमें से एक परिवार ऐसा भी है जहाँ पे इनके अजय वाहने जी नाम बताया है हमें, और अजय वाहने जी का परिवार में फ़िलहाल कोई नहीं है। इनके पिताजी का जो साया था इनके ऊपर, वो अभी हाल फिलहाल में ही इनसे सर के ऊपर से उठ गया है। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में लॉकडाउन के बीच ये युवक अपने घर में अकेला निवास करता है। इस युवक के पास आज कांग्रेस सेवा दल के कुछ साथी सिपाही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इन्होंने आर्थिक मदद के तौर पर उनकी मदद पहुँचाई है और साथ ही उन्हें राशन की किट प्रदान की है। अजय वाहने का कहना है कि वे फिलहाल अकेलापन महसूस कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से उन्हें यहाँ पे मदद मिली है, वे थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से एक एक घर में पहुंचकर जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनके बीच पहुंचकर उन्हें आज सेवा भाई कार्य के तौर पर मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस सेवा दल के तमाम सिपाही आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये निरंतर ऐसे परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये मास्क पहना करो, है ना? अगर मास्क के नहीं लेना कितने लोगों को रहते हो? 5 लोगों का घर है, तो पहना उल्टा 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 करके पहना। लो माता राम, लो भाभी, इधर आओ, मास्क पहनो। क्या कर दिया? कुछ नहीं हो सर। आगे इधर 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 आओ, पीछे पीछे इधर आ। धामड़े जी सभी को मास्क देना है ना? मास्क वाले आ रहे हैं, पीछे बांटते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे मास्क ला रहे बाबू, विक्की ने ला रहे मास्क। हो गया, आप रुक जाओ। सिर्फ यह है कि गरीबों की सेवा करना एक पहला उद्देश्य है, क्योंकि राजीव गांधी जी को भारत ही नहीं पूरे विश्व में कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और भारत में जो भी क्रांतिकारी जनक हुए हैं, मीडिया हो, चाहे टीवी संचार हो या दूरसंचार का मामला, तो एक पहल थी सौरभ भाई के द्वारा जिला अध्यक्ष आदरणीय सेवा दल, विक्की भैया ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस एवं ज्ञानू अंकल की एक पहल थी कि आदिवासी ग्राम अंचल में जाकर उनकी सेवा करना। बस यही है, क्योंकि और सेवा दल का कार्य है सेवा करना। देखो, दुख तो काफ़ी है कि यहाँ पर गरीब काफ़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और जिनके घरों में जा जाके हमारे कांग्रेस सेवा दल की तरफ से उनको खाद्यान्न सामग्री, सब्जी है, गुड़ है, दाल है, ऐसी चीज़ों का वितरण हम कर रहे हैं। और हम बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं कि इनके बीच में हम आए हैं और इनका दर्द बांटने के लिए आए हैं। देखिए, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस यूथ ब्रिगेड सेवा दल के माध्यम से हम आदिवासी गाँव में खाद्यान्न सामग्री का वितरण हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिससे आज आदिवासी गांव में हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा दो वक्त का तो चूल्हा जल सके। लेकिन ये जो आज विपदा की घड़ी है, कोरोना संकट की घड़ी है, इस घड़ी में मैं भी चाहूँगा अनेक समाज सेवी संस्थाओं से कि इन आदिवासी गांव में जहाँ सही में आवश्यकता है वहाँ आकर इन सामग्री का वितरण करें। कोरोना त्रासदी के बीच आप यहाँ पे पहुँचे हैं, कितनी बदल गई है लॉकडाउन के बीच इन परिवारों की ज़िंदगी, जिन परिवारों के बीच आप मदद पहुँचाने जा रहे हैं? इन परिवारों की स्थिति ऐसी है कि ये अपने गाँव से जो भी खाद्यान्न सामग्री इकट्ठा करके मार्केट में बेचने जाते थे, लेकिन मार्केट आज पूरी तरीके से बंद है। इस स्थिति में इनके पास आर्थिक स्थिति से ये लोग बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हम इन गांवों का चयन किए, हमारे द्वारा, हमारे सेवा दल के द्वारा इन गांवों का चयन किया गया, ताकि इन्हें किसी प्रकार से हम अपने
यथाशक्ति मदद कर सके। तो ये थे मोनू भगत जी जो कि यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष है। इनका कहना है कि आज आदिवासी अंचल जो है उनमें जो परिवार निवासरत है या जो निवास कर रहे ये परिवार आज लॉकडाउन के बीच आर्थिक रूप से काफ़ी विक्षम हो चुके हैं, तो ऐसे परिवारों की मदद के तौर पर इनके द्वारा एक दैनिक उपयोग की जो सामग्री की किट होती है जिसमें दाल है, चावल है, नमक है, बिस्किट है, गुड़ है, ऐसी कुछ ज़रूरत की सामग्री है उसका वितरण इनके द्वारा किया जा रहा है। एक विशेष प्रस्तुति जो कि बालाघाट न्यूज़ के माध्यम से हम आप लोगों को सीधे दिखाने जा रहे हैं और लगातार हम आपको उन क्षेत्रों का दौरा दिखा रहे हैं जिनमें आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से सेवा कार्य के तौर पर निरंतर आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मदद के तौर पर जो कार्य किया जा रहा है। इस समय आप मेरी तस्वीर के पीछे में देख सकते हैं कि कांग्रेस सेवा दल के जो तमाम सिपाही है वो इस समय यहाँ पे पैकेजिंग में लगे हुए हैं और इस पैकेट को वे यहाँ पे जो परिवार है उन परिवारों तक निरंतर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें लालबर्रा क्षेत्र के चिखला बड्डी से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि एक वनांचल क्षेत्र है और घने जंगलों के बीच बसा हुआ ये गांव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी बस्ती है और इस बस्ती में बहुत सीमित परिवार जो है यहाँ पे निवास करते हैं। इन परिवारों के बीच पहुँचकर आज कांग्रेस सेवा दल अपनी सेवाएँ देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि राजीव गांधी जी का आज ही के दिन 21 मई 1991 को तमिलनाडु के त्रिपेरबंदूर में एक साजिशन हत्या हुई थी, आत्मघाती हमले में उनकी मौत हुई थी और उनकी शहादत दिवस भी आज हम कह सकते हैं उनकी पुण्यतिथि कांग्रेस सेवा दल के द्वारा मनाई जा रही है। हमारे बीच में कांग्रेस के कुछ सेवा भाई सिपाही और निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां पे मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इस महामारी के संक्रमण काल के दौर में किस तरह से काम कांग्रेस सेवा दल की ओर से किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? ज्ञानचंद शर्मा। शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आज जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इस कार्य के बीच में जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनके बीच में किस तरह की पीड़ा नज़र आ रही है आपको इस संक्रमण काल के दौर में? मैं लालबर्रा वन परिक्षेत्र के आदिवासी ग्रामों में, ये वन ग्राम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर इन मजदूरों के साथ ये आता है कि ये बाजार करते हैं लालबर्रा, बुधवार बाजार, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई बाजार नहीं भर रहा है और इन ग्रामवासी आदिवासियों को लालबर्रा जो लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे आने जाने में प्रॉब्लम होता है। ये आदिवासी यहीं रहते हैं और ऐसे समाज सेवी जैसे आज हमारे सेवा दल के जाबाज साथी लोग वन ग्रामों में आदिवासियों को राशन सामग्री बांटने आए, उसके लिए इन जनता की तरफ से कांग्रेस को, कांग्रेस के सेवा दल के इन सिपाहियों को हृदय से दुआएं देंगे। बहुत बहुत साधुवाद भी है, धन्यवाद। बाकी इधर कितने घर हैं वैसे, इधर बाकी लोग निकल लेते हैं, बाकी उधर चल जाएंगे। चलो हाँ हाँ उसी को, उसी को दे जी। तू मास्क पहना ना, मास्क पहना सबको, सबको एक मास्क पहना, काका लोग क्यों लगा मास्क, लगा वहाँ भी मास्क लगा, ले काका मास्क लगा, मुंह पे लगाओ, चलो लगाओ, इधर लगा का मास्क लगाओ, पहले मास्क लगा यहाँ पर गरीबों से हम लोगों को किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं है। इन लोगों का प्यार हमारे साथ लगातार बना हुआ है पिछले कुछ समय से। हमारा ये हमारे लालबर्रा से निकट के गांव ग्राम है, वन ग्राम है। इन लोगों का बहुत कम लालबर्रा आना जाना हो पाता है और पिछले कोरोना संकट में लगातार मार्केट का बंद चालू होना इन लोगों के लिए भोजन व्यवस्थाओं को से बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा है। ऐसी व्यवस्थाएं हम लगातार देते आए हैं। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा दल के माध्यम से यूथ कांग्रेस NSY परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी ज्ञानचंद शर्मा जी और लगातार वो तो लगातार इस गांव में आते ही जाते रहते हैं और इस गांव से उनका बहुत लगाव बना हुआ है।
शहादत दिवस के अवसर पर किसान कांग्रेस और सेवा दल संयुक्त रूप से और विशेष रूप से मेरे जो बड़े भाई हैं सौरभ ज्योति जी, इनके मार्गदर्शन में और सभी कांग्रेस के कर्मठ सिपाही मनग्राम क्षेत्र लालबर्रा के चिकलापट्टी सोनेवानी नवे गाँव में जरूरतमंदों को आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर सामग्री राशन सामग्री आज हम लोग वितरण कर रहे हैं और उन्हें इस माध्यम से हम याद कर रहे हैं कि उनके इस आधुनिक भारत के विचारों को आज भी ऐसे वन ग्रामों में जितना यहाँ जो पिछड़ापन हमें यहाँ जो देखने को मिला, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार को यह ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं इनके लिए भी और इनके जीवन को सही मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें ताकि इनके जीवन को सरल और सुगम बना सकें। और हम सब कांग्रेस के सभी विंग यहाँ, हम सब कांग्रेस के सिपाही के रूप में एकजुट होकर ये कार्य कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। सेवा दल को मैं विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और सौरभ भैया जिस प्रकार से पूरे बालाघाट जिले में जितनी तत्परता और तन्मयता के साथ में और पूरी सक्रियता दिखाते हैं, चाहे वो रक्तदान वाला मामला हो, चाहे वो लोगों की सेवा वाला मामला हो, सेवा दल ने हमेशा हर क्षेत्र में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी के पुरोधा एवं संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लालबर्रा विकास खंड के ग्रामीण अंचल क्षेत्र चिकलाबड्डी नवेगांव सोनवानी इन ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच खाद्यान्न सामग्री बांट के इस देश में जो वैश्विक कोरोना महामारी जो चल रही है जिसके लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के पास खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसी संबंध में आज हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे हैं और सभी ग्रामीणों को खाद्यान्न सामग्री तेल चावल नमक शक्कर दाल सब्जी ये वितरण करके हम उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं।